पिता को नहीं मिली सीट तो चुनाव लड़ने उतरी मिस इंडिया रनअप दीक्षा सिंह। साल 2015 में फेमिना मिस इंडिया रनअप दीक्षा सिंह अब राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। दीक्षा सिंह जौनपुर जिले के बक्सा विकास खंड के वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेगी। दीक्षा सिंह के चुनाव मैदान में उतरने का कारण है उनके पिता जितेंद्र सिंह की सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाना। दीक्षा सिंह ने वार्ड संख्या 26 बक्सा से जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीदने के साथ ही जमानत राशि जमा करा दी है। इस समय खुद दीक्षा गांव-गांव जाकर प्रचार करने में लगी हुई है। इस सीट से दीक्षा सिंह के पिता जितेंद्र सिंह काफी दिनों से जिला पंचायत सदस्य पद की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक वर्ष से अधिक समय से उन्होंने क्षेत्र में घूम घूम कर अपना प्रचार प्रसार किया, लेकिन ऐन वक्त पर यह सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई, जिसके बाद जितेंद्र सिंह की बेटी दीक्षा सिंह चुनाव मैदान में उतर गई। दीक्षा सिंह का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र सिंह की बहू शालिनी से होगा। शालिनी सिंह ग्रेजुएट है। शालिनी के पति सिद्धार्थ सिंह इस समय आरएसएस के सहयोगी संगठन समक्ष से जुड़े हुए हैं। जौनपुर में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण 15 अप्रैल को चुनाव होना है। 3 और 4 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल होना है। जिले के बक्सा क्षेत्र के चितोड़ी गांव निवासी दीक्षा सिंह ने अपने गांव से कक्षा 3 तक की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद वो अपने पिता के साथ मुंबई फिर गोवा चली गई। गोवा से ही दीक्षा ने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और फेमिना मिस इंडिया 2015 में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में दीक्षा सिंह रनअप रही। दीक्षा के पिता जितेंद्र सिंह का गोवा और राजस्थान में ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, जबकि उनकी माँ हाउसवाइफ है। अभी फरवरी 2021 में दीक्षा के एल्बम रब्बा मेहर करे ने खूब सफलता बटोरी। दीक्षा ने बॉलीवुड की इश्क तेरा फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। इसके अलावा पैंटीन, पैरासूट, ऑयल, स्नैपडील से लेकर कई कंपनियों से विज्ञापन में काम किया है। उनकी हाल ही में बड़े बैनर की वेब सीरीज चुतजपा आ रही है। दीक्षा सिंह ने बताया कि वो कॉलेज के समय से ही प्रतियोगिताओं और राजनीतिक डिबेट में प्रतिभागी करती रही और वह हमेशा समय समय पर गांव में आती रही है। गांव आने पर देखा कि आज भी गोवा मुंबई के तर्ज पर जिला विकास से कोसों दूर है। वह पंचायत चुनाव में कुछ बदलाव की सोच से आई है। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।